Welcome to SAEase. In this video, I'm going to start with a new chapter of class 7. And the name of the chapter is Reproduction in Plants. First thing is to know about the term reproduction, what reproduction is. To produce the individual of its kind, that is the characteristic of all living organisms. So, in reproduction, there is the formation of the offspring from its parent. That is the reproduction. Or you can say production of the offspring from the parent of its own kind. आपको पता है कि अगर बिल्ली जो है cat, it will give birth to kitten only. Dog will give birth to puppy. Okay? इसी तरह से जो reproduction है वो plants में भी होती है. Okay? Like in animals, we know that there is reproduction. In plants also, there is reproduction. So here, my first topic, that will be modes of reproduction. What are the different modes of reproduction? I will tell you, we will study the plant only. What are the different parts of the plant? You will say that roots, stems, branches, leaves, flowers, fruits, etc. So, यहाँ पे जो main है वो आपको ही बहुत ही दो terms clear होने चाहिए. That root, stem, leaves, branches, they are the vegetative parts of the plant. Okay? They are the vegetative parts of the plant, and the flowers and the fruits, they are the reproductive parts of the plant. सबसे पहले mode of reproduction जब हमने करना है तो vegetative parts and reproductive parts के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए कि plant में कौन कौन से vegetative और कौन से reproductive parts. ठीक है? अब यहां पे हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे रिप्रोडक्शन को इन प्लांट्स. वन इज द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सो द नेक्स्ट टॉपिक दैट विल बी द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेकेंड वन इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. वो डिटेल में भी करेंगे पर पहले मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन में आपको ये पता होना चाहिए कि जहां पे सिर्फ वेजिटेटिव पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं दैट इज द एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन. यू हैव सीन दैट फ्रॉम द आई ऑफ द पोटैटो. पोटैटो लेते हैं तो उसमें कई बार एक ऐसे करके थोड़ा सा प्लांट सा बनना शुरू हो जाता है ना. दैट इज नोन एज आई ऑफ पोटैटो. और अगर हम आई ऑफ पोटैटो को निकाल के उसको दोबारा सॉइल में दबा देते हैं तो हम क्या देखेंगे कि नया प्लांट आ गया. सो यहां पे वेयर देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ द सीड्स, जहां पे सीड्स की इन्वॉल्वमेंट नहीं है उसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं. वी हैव सीन द ग्राफ्टिंग इन केस ऑफ रोज प्लांट. डिटेल आई विल टेक लेटर ऑन. That I will take up later on. Now, next, you have seen ginger. This is the vegetative propagation. Okay? In asexual, there are further vegetative propagation, budding, spore formation, fragmentation. So, in asexual reproduction, we will study all these in detail. Now, next is the sexual reproduction. I have told you that in sexual reproduction, reproductive parts of the plant that will take part.
दैट इज फ्लावर. फूल देखा है आपने, नीचे सेपल्स, यू हैव डन इन सिक्स क्लास पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर. ओके, देन सेपल्स, पेटल्स एंड देन बीच में कुछ रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं, स्टेमन. ओके, यू हैव सीन स्टेमन्स, जिसके ऊपर क्या होते हैं, एंथर्स, और एंथर्स के अंदर क्या है, मेल गैमेट, दैट इज द पोलन्स. और बीच में फीमेल पार्ट जो है हमारा, ओके, वो होता है स्टिग्मा स्टाइल ओवरी. ओके, तो जहां पे रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ने रोल प्ले करना है, वहां पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी. हियर देयर इज द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द सीड. व्हेन द प्लांट ग्रोज फ्रॉम द सीड, मैंगो का हम सीड लेते हैं और उसको हम दबा देते हैं उसको, और वो किसमें ग्रो हो जाएगा, मैंगो ट्री में हो जाएगा. तो हियर देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ द सीड्स. दिस इज द सेक्सुअल टाइप ऑफ द रिप्रोडक्शन. आई विल टेक अप दिस इन डिटेल कि किस तरह से सीड जो है वो जाइगोट कैसे बनता है, कैसे इनकी फर्टिलाइजेशन होती है. ओके, किस तरह से जो पोलन है वो स्टिग्मा के ऊपर आके नीचे ओवरी के साथ फ्यूज हो जाता है तो सीड बन जाता है. ठीक है, व्हाट इज सीड, दैट इज द राइपन्ड ओवरी. ओके, तो वो सारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पढ़ेंगे. देन इज द फ्रूट. अभी मैंने बताया कि फ्रूट कैसे बना, दैट इज द राइपन्ड ओवरी. सीड दैट फ्रूट इज द राइपन्ड ओवरी, और बीच में जो सीड्स उसके होंगे दे आर द ओव्यूल्स. ओव्यूल से सीड्स बन जाएंगे और ओवरी से क्या बन जाएगा, फ्रूट बन जाएगा. सो हियर वी विल स्टडी इन डिटेल अबाउट द फ्रूट एंड द सीड फॉर्मेशन, हाउ दिस पॉलिनेशन टेक्स प्लेस, हाउ फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस एंड हाउ देयर इज फॉर्मेशन ऑफ द जाइगोट. दैट वी विल स्टडी इन डिटेल अंडर दिस topic. Now, next is seed dispersal. अगर तो seeds बने, उस tree के seeds बने और वहीं गिर गए, तो क्या होगा कि नीचे फिर पौधा उगना शुरू हो जाएगा. उस पौधे को ना तो sunlight proper मिलेगी, ना air मिलेगी. So there will be competition among the big tree and these small saplings. So they will die for want of sunlight, for want of the nutrients, they will die. ठीक है, तो इसलिए dispersal अपने आप से नेचर ने ये चीज बनाई है कि सीड्स कैसे डिस्पर्स हो जाए. कई बार आपने देखा होगा कि आप ऐसे झाड़ियों में से जा रहे हो तो कुछ आपके साथ सीड्स चिपक जाते हैं. ओके, जिनके छोटे छोटे कांटे होते, तो आपने क्या किया, दूसरी जगह पे जाके उसको फेंक दिया. सो क्या हुआ, डिस्पर्स हो गया ना सीड, वहां से चल के दूसरी जगह पे आ गया. इसको बोलते हैं हम सीड डिस्पर्सल. एयर प्लेज अ मेन रोल इन सीड डिस्पर्सल. ठीक है, हवा से उड़ गए, कई आपने देखा होगा, आप कहते हो ना माई बूटी का चाटा. ठीक है, उसके आपने देखा कि किस तरह से जैसे फैदर्स होते हैं वैसे होते, तो वो उड़ के दूसरी जगह पे चला गया. या फिर आपने वाटर के साथ, या कहीं के विंग्स होते ड्रमस्टिक जैसे है, उसका क्या होगा, उसके मैपल, उसके भी ट्री के विंग्स होते हैं उनके सीड्स, तो वो विंग से फ्लाई कर जाते हैं. ओके, और या फिर वाटर के थ्रू, पानी बह गया दूसरी जगह पे सीड चला गया. ठीक है, तो एयर थ्रू वाटर थ्रू बर्ड्स, बर्ड ने वो लिया और दूसरी जगह पे वो ले गया. ठीक है, फ्रॉम ह्यूमन बींग्स ऑल्सो डिस्पर्सल दैट टेक्स प्लेस. तो मेरा ख्याल डिस्पर्सल टर्म भी क्लियर होगी होगी कि दूसरी जगह पे सीड डिस्पर्स हो गया, फैल गया,
कहां कैसे चला गया। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग ये लेसन है सेवंथ क्लास का। और आप देखोगे कि जैसे जैसे हायर क्लासेस में जाते जाओगे ये रिप्रोडक्शन एंड प्लांट्स ये आते हैं हमेशा, बस स्लाइटली डिटेल में हो जाता है, टेंथ में भी है, ठीक है। तो यू शुड ईच एंड एवरी कंसेप्ट एंड ईच एंड एवरी टाइप ऑफ द रिप्रोडक्शन दैट शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो आई विल कम इन माई नेक्स्ट वीडियो एंड टेक अप द टॉपिक modes of reproduction. Till then, thank you very much.